हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनाज रसोई। आज मैं आपके साथ जोधपुरी मिर्ची वड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। ये एक स्नैक्स है, आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे टमाटो केचप हरे धनिया की चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। जोधपुरी मिर्ची वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मिर्ची ली है। ये अचार वाली मिर्ची होती है, कम तीखी वाली होती है। सबसे पहले हम मिर्ची के अंदर इस तरह से कट लगाएंगे। मैंने यहाँ पे 7 से 8 मिर्ची ली हैं और कट लगाने के बाद हम इसके अंदर का जो बीज है उसे निकाल लेंगे। तो चाकू की हेल्प से आप इस तरह से इसका बीज निकाल दें। आप चाहें तो बीज को रख सकते हैं, लेकिन बीज अगर निकाल देंगे तो ये थोड़ी कम तीखी लगेगी और बीज निकालने के बाद हम इसमें जो स्टफिंग करेंगे वो भी आसानी से भरी जा सकती है। तो आप इस तरह से चाकू की हेल्प से इसके अंदर का बीज निकाल सकते हैं और आप चाहें तो बीज को इसके अंदर ही रहने दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने बीज निकाल दिए हैं। इसी तरह से हम सारी मिर्चों के बीज निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे 7 से 8 मिर्ची ली हुई हैं और मैंने पहले से इनका बीज निकाल के इस तरह से रख दिया है। अब हम बनाते हैं इसके लिए स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 2 आलू लिए हैं, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 बॉयल आलू लिए हैं, उबले हुए आलू। उसमें मैंने 1 छोटी चम्मच क्रश करके धनिया डाला है, हींग डाली है 1/4 छोटी चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, सौंफ ली है मैंने 1/2 छोटी चम्मच, उसे भी क्रश कर लिया है, और ये भुने हुए जीरे का पाउडर है 1/2 छोटी चम्मच। साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू आपको बॉयल लेने हैं और 2 आलू इसके लिए काफ़ी हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें इसमें डालना और भूल गई हूँ, तो वो 2 चीज़ें और ऐड कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर और चाट मसाला पाउडर डालने से इसके अंदर एक खटास पैदा होगी, जिससे हमारी जो मिर्ची वड़ा है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसको भी मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो मिर्ची हमने रखी थी बीज निकाल के, उसमें स्टफिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस स्टफिंग को भर लेंगे इसके अंदर। तो ये आलू की स्टफिंग इसके अंदर बहुत ही टेस्टी लगती है। ये जोधपुरी मिर्ची वड़ा बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो बस इस तरह से भर लेना है आपको। सारी मिर्चियों को हम इसी तरह से भर के तैयार कर लेंगे। हमने भर के तैयार कर ली हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है, इसमें डाल रही हूँ मैं 4 छोटी चम्मच चावल का आटा, जिसकी वजह से हमारे मिर्ची वड़ा बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर भी नहीं है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, 1/2 छोटी चम्मच या 1/4 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर डाल सकते हैं, और हींग डाली है मैंने 1/4 टीस्पून, बेकिंग सोडा भी हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच, बहुत थोड़ा आपको बेकिंग सोडा डालना है। बेकिंग सोडा डालने की वजह से हमारे जो पकौड़े हैं बनेंगे वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो मिक्स कर लेते हैं इसको। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसके अंदर इसका एक बैटर बनाएंगे। बैटर जो बनाएंगे उसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाएंगे और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आपको हल्की सी गाढ़ी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर में हम पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। एक साथ आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो सकता है और इसमें लम्स भी पड़ जाएंगे, जिसको रिमूव करना बाद में मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसके लम्स भी रिमूव करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल डालने से भी हमारे पकोड़े जो बनेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हमने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है और ऑयल को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है मुझे,
तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी मैंने और ऐड कर लिया है। अब हमारा बैटर बिल्कुल एकदम बन के रेडी हो गया है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसकी कंसिस्टेंसी आपको इसी तरह की रखनी है। बैटर हमारा रेडी हो गया है और हमने मिर्ची को भी स्टफिंग करके रेडी रखा है, तो अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब आप मिर्ची लेंगे, एक एक मिर्ची करके आप इस तरह से बैटर में डिप करेंगे और इस तरह से आप ऑयल के अंदर छोड़ देंगे। तो बैटर हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखा है, इसकी वजह से ये मिर्ची के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गया है। तो एक एक मिर्ची करके आपको इस तरह से बैटर कोट करना है मिर्ची के ऊपर और ऑयल के अंदर डालना है। ऑयल आपका अच्छा सा गर्म होना चाहिए जिस वक्त आप मिर्ची को फ्राई करें। तो ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म है, अभी हम मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। सारी मिर्ची जितनी इसमें आ सकती हैं, मैं यहाँ पे 2 मिर्ची और ऐड कर रही हूँ। तो अब इस मिर्ची को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे जिससे ये अच्छी सी क्रिस्पी हो जाए और अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो कुछ सेकंड्स के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और पलट के फिर हम इसको फ्राई होने देंगे। तो आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दीजिए। तकरीबन 4-5 मिनट में ये फ्राई होकर रेडी होगी। तो मैंने इसको तकरीबन 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसे मैंने एक बार निकाल लिया है। अभी ये पूरी तरह से पकी नहीं है और इसी तरह से मैं बाकी की फ्राई करके निकाल लूँगी। तो हम मिर्ची को जो है अभी थोड़ा सा कच्चा निकाल रहे हैं, हम इसे एक बार और फ्राई करेंगे जिससे हमारी मिर्ची बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी पक के तैयार होगी। तो एक बार हम इसे कच्चा पक्का निकाल लेंगे इस तरह से। दूसरा बैच भी हमने इसमें कच्चा पक्का फ्राई करके निकाल लेना है और उसके बाद हम ऑयल को थोड़ा सा अच्छा गर्म कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें एक बार दोबारा से मिर्ची को फ्राई करेंगे। अब हम सारी मिर्चियाँ एक साथ डाल देंगे, तब भी हमारी मिर्चियाँ बहुत अच्छे से फ्राई होंगी। मैंने अभी 4 मिर्चियाँ इसके अंदर डाली हैं और 4-4 करके हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है हमारी ये मिर्ची। तो इस तरह से आप फ्राई करके सारी मिर्ची निकाल लें। ये देखिए हमारा जोधपुरी मिर्ची वड़ा बहुत ही अच्छा दिख रहा है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो यहाँ पे मैं मिर्ची को आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे हमारे मिर्ची वड़ा बने हुए हैं, अंदर तक अच्छी तरह से हमारे मिर्ची वड़ा कुक हो गए हैं। मिर्ची बहुत अच्छे से कुक हुई है और जो बैटर था वो भी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। तो इस तरह से आप जोधपुरी मिर्ची वड़ा बना के तैयार कर सकते हैं। इसे आप हरे धनिया की चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ सर्व करें या चाय के साथ इंजॉय करें। तो ये बहुत ही अच्छी मिर्ची हमारी बनके रेडी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।